दो टोलियों के अपराधी एक दूसरे को फोन पर अपहरण कर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले की दो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इससे अपराध जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। शहर में गैंग वॉर होने की आशंका भी जताई जा रही थी, मगर पुलिस ने हरकत में आते हुए इस घटना से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक क्लिप 8 दिनों से वायरल हो रही है। क्लिप के अनुसार हफ्ता वसूली और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की टोली युवती को लॉज पर ले गई थी। वहां उससे मारपीट भी की गई। यह युवती मानकापुर के एक अपराधी की प्रेमिका है। मारपीट के दौरान युवती की नाक पर लगी चोट को देखकर अपराधी ने उससे पूछताछ की थी, जिसके बाद युवती ने अपराधी को उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी। दूसरी टोली के अपराधियों द्वारा प्रेमिका से मारपीट कर उसकी नाक फोड़ी। युवती ने अपराधी को उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी और उसके बाद शुरू हुआ कॉल पर धमकियां देने का खेल, जिसकी एक्सक्लूसिव क्लिप वीकेबी न्यूज़ के हाथ लगी है। हेलो हेलो, हाँ बोल, क्या बोलना है तेरा वाला? हाँ क्या बोलना है तेरा वाला? वो नेपाली को किसने उसको नाक फोड़ा? वो नेपाली, तेरा क्या बोलना है ये बता तेरे को। मेरी गर्लफ्रेंड का नाक किसने फोड़ा? तू कहा मिलता है इतना बड़ा बता मेरे को, तुम बताओ कहाँ मिलना है? तुमको तू बता कहाँ मिलना है? भाई तू जहाँ बोलेगा वहाँ मिलता ना, ठीक है ना? हाँ मैं आता, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे एरिया में। तो बता, तुम जब बोलो तब। अभी आ, अभी आ गया, अभी नहीं आ सकता ना भाई? क्यों? अभी मैं कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ। संबलपुर, संबलपुर, संबलपुर आ जा, उड़ीसा। मैं क्या साले फोन पे क्या बोला साले? तू सही एड्रेस बता था तेरा वाला, तेरे को नहीं वहां से लेके गया तो मेरा नाम दत्ते नहीं, समझा क्या? मालूम अपने को सब झाड़ी हो रहा तेरे बारे में सब नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा सामने बिना साले, फोन पे क्या बात कर रहा? अबे तू फोन पे फिर किया इतनी बड़ी बात? फोन पे बातें नहीं करते क्या? अबे तू फिर तो सही मिल तो सही तू किसका नाम गिना रहता रे? किसका नाम गिना रहता रे तू? हाँ किसका नाम गिना रहता? अबे मैं क्या बोला मालूम है? हम नाम भी नहीं गिनाते, हम ही लोग किंग शहर के जिज्जू गांजा बेच रहे हैं, हमारा सब माल जाता पूरे शहर में, समझा गए? तू जब से गांडू ये धंधे में नहीं उतरा ना, तब से मैं लोगों को पहचानता कौन धंधे करते हैं। नहीं करता जो मेरा बड़ा भाई है ना, ये बात सुन रहे हेलो, जो मेरा बड़ा भाई है बात सुन, उसका धंधा है समझा क्या? एड़े मेरा भाई नागपुर से आके उड़ीसा चलाता, समझा क्या? एड़ा क्या आज उड़ीसा में लोकेशन भेजूंगा तेरे को, एड़ा क्या? नागपुर में आने के बाद में मेरे को मिलना? अभी नागपुर में क्या रखा है तेरे? नागपुर में क्या, तेरे घर में आऊंगा तेरी वाली? तू तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कहाँ मिलता कहाँ नहीं। ओ दत्ता भाओ, तू भाई जैसे गिनते दत्ता भाओ को, मेरी गर्लफ्रेंड को गिनने जिनने भी नाक फोड़ाऊंगा, घर में बंदूक मारूंगा। सारा बोल रहा देखा क्या तूने बंदूक? अबे तुझको बताता मैं बंदूक नहीं, क्या आंधे मेरे को नागपुर 20 बजे साले फोन क्या काटनी फोन पे भक रहा क्या? नहीं फोन पे नहीं, मैं तुझको सामने सामने मिलूंगा रे बादशाह, समझा क्या? तो कब मिलता है, कब मिलता है, कब मिलता है ये तो बता। हाँ कब मिलता है तू बोल, कब मिलना है? मेरे को तो अब भी मिलना है। तू बोल रहा ना बहुत पहले से करता धंधा तू, मैं क्या बोला? मैं क्या बोला तेरे को ऐसा फिट कराऊंगा, रुक राजमानी साहब को बताता नहीं क्या तेरे बारे में? तू धंधा कर रहा धंधा चालू, तू किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है? कर राजमाने साहब को भी बताता नहीं क्या? मितेश कुमार को अबे तू है क्या? अबे है नहीं, है नहीं तू राजों के धंधे तो इतनी बड़ी बात नहीं करती क्या? नहीं जिनने भी मेरी गर्लफ्रेंड को बहन को भी बैठा देना पे धंधे पे, और माँ को भी बैठा देते समय में बताऊंगा नहीं क्या? कान में जब गोली मारूंगा तब तक समझ में आएगा इससे मैंने पंगा लिया। कान में रख थोड़े, कभी मुआवजर देखा क्या तूने? कितने माउजर ना वीडियो कॉल कर दिखा चूत माउजर, क्या रे माउजर की बातें कर? एड़ा बीड़ा समझ रहे माउजर, गुस्सा दूंगा तेरे घर में, झोपड़े में रहता ना, झोपड़े में रह नहीं यार, तेरे बारे में सब जानकारी निकाल, समझा क्या? तो तू मिलना तो मेरे को जानकारी निकाला तो
तेरी तेरे को ऐसा नहीं मिलूंगा रे भाई, तेरे को जब वो बड़े प्यार से मिलूंगा तू पहचान भी नहीं पाएंगा किसके साथ बैठा हूँ, कौन सा बाप है ये, सामने तेरे बैठा रहूंगा और तू पाँव में नहीं गिरा राज जारी बोला, क्या बोल रहा फोन में तू बोल रहा ना रिकॉर्डिंग करके रख, देखेंगे तेरे शरीर मैंने आज तक के 25 साल के बुराई में कितने छोड़ दिया मैंने उसको तेरे जो मैं क्या बोला अभी वो चमचागिरी करेंगे इसलिए तेरे नंबर कारी को मैंने बोला इसी बातें और मेरे को मालूम है ये सब बातें ऐसे लोग ही करते हैं नहीं क्या। मैं क्या बोला तेरे के मैंने 25 साल की बुराई हो रही मेरी वाली समझे क्या, बस हो गया 25 साल और अच्छे अच्छे को मैंने किनारे से लगवा दिया समझे, किसको किसको लगाए मेरे को उम्र भी नहीं उतनी मेरे को भी लगा जितनी मेरी बुराई है, मैं क्या बोला मेरे को भी लगा दिया, नहीं तो तू शहर में कोई भी कोंटे में मिल मेरे को, कौन से कोंटे मिलना है तू शहर का बाप है क्या, तेरी इज्जत होती कि मेरी इज्जत होती तू देख लेना वहाँ पे। अबे मैं क्या बोला राजू भद्रे जैसे संतोष अम्बेकर जैसे रंजीत भाऊ जैसे नहीं चले, तू चलेगा हो तो तू आना, तो मेरे भाऊ लोग नहीं चले तू चलेगा हो तो तू आ तो सही, तेरे भाऊ लोगों को पूछना मैं कौन हूँ करके, हाँ मालूम है तू कौन है इसलिए तो मैं तेरे से बात कर रहा, इतनी कोई बिना पॉइंट के तेरे बारे में पूछा ना मैंने लोगों को, तब बता रहा ना कितना दम है तू आके बोलना, तू आके बोलना बोलना सामने आना सामने आना, बड़े लोग फोन पे मालूम है क्या ये गालियां गुप्ता बड़े लोग देते सामने सामने का, ठीक है लगता भाव तुम मैं आके नहीं क्या, हो तो मैं क्या बोला आमने सामने आना, अरे लगता भाव हो तो आमने सामने आना, वो दिखाता ना तेरे को जिनने भी ना आओ तो तू जिनने जिनने छेड़ा ना उसको उसमें तेरा भी नाम लिखा होगा नहीं क्या, जिनने जिनने लड़की को अपने की इच्छा काले क्या सब नाबालिग है अपनी लड़की नहीं चाहिए, उनसे तू धंधा ही करता तू दल्ला कोई अंधे धंधे नहीं, तूने जबरदस्ती लेके गया लड़की है मेरे साथ सबूत भेजा वो तो तू है ना, समझ रहा क्या कुछ ले 19 साल का हूँ तेरे से ऐसी बात कर रहा समझ रहा क्या, हो तो फोन पे कर रहा ना आमने सामने फोन में नहीं तेरे से, अबे तेरे फोन पे बच्चे भी करता है देखेंगे 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 करता मैं आ रहा तेरे से मिलता ना बच्चे भी करता है आ रहा मिल रहा हूँ सब मैंने के लिए आना तेरे अगर तू बता तो सही, मैं क्या बोल रहा जगह से हिलने की भी गरज नहीं मेरे को, उठा मैं अपने बात कराऊंगा मामा से अभी तेरे को, कौन से मामा से कौन से मामा से बात करा रहा मेरी कौन से मामा से बात करा रहा तेरे को गरज है बात कराने की तेरी ये भाऊ और वो भाऊ से तेरे लिए केला भारी हूँ समझा क्या, फोन पे मत फोन पे मत मैं क्या बोला सुनना अगर तू सही में एक मैं क्या बोला मैं तेरे को पहचानता नहीं क्या, मैं क्या बोला तू सही में की पैदाइश होगा ना तो तू मेरे को जरूर मिलेगा, मैं क्या बोला तू अगर एक होगा ना तेरी तेरे बाप की 10 बार पैदा हुआ हूँ क्या, तू फोन पे जो बात कर रहा ना तो रिकॉर्डिंग कर बोला रिकॉर्डिंग कर तेरी आदत नहीं है हमारी रिकॉर्डिंग करने की आदत, मैं क्या बोला तूने बहुत बड़े इंसान के साथ वो किया नहीं क्या, तूने जो कितना बड़ा है तो आके दिखा ना तू आके दिखा ना फोन पे नाक खोला ना, मैं क्या बोला तुमने नाक खोला ना सामान मारूंगा उसको तेरे को बता रहा तेरा फोन लॉज वाला है समझा क्या, क्यों उसने लड़की को नाक में मारा क्यों मारा, अगर तू भी उस जगह में रहता तेरी गर्लफ्रेंड रहती तो तूने क्या बोला क्या बोला तेरा नाम तेरा नाम क्या है बेटा, हाँ भैया तेरा नाम क्या है बोला, पांडे बोलते मेरे को पांडे 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 ने कहा का? कमाल चौक कहाँ पे कमल चौक में क्या पे बोला पांडे तेरा सर नेम होंगे भाई नाम बोले तेरा नाम वही नाम से जानते, आप कौन बोल रहे भाई, देख भैया मैं क्या बोल रहा हूँ मैं दत्तू बकर बोल रहा हूँ खास फ्रेंड बोल रहा हूँ फ्रेंड बोल रहा हूँ उनका, मैं क्या तो भाई मैं एक बात बोलूंगा तुमको, हाँ बोलना भाई, कोई लड़की को जबरदस्ती करना पड़ता है उनके अंदर नहीं करना पड़ता, हाँ तो बस
मेरी गर्लफ्रेंड है उसमें उससे शादी कर रखा, तेरे को फोटो भेजूंगा लड़की मेरे साथ शादी। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोला, मेरी गर्लफ्रेंड का जिन्ने जिन्ने मेरी गर्लफ्रेंड का नाक फोड़ाऊंगा। ये ले मेरे मेरे बॉस से बात करा, हेलो बोलना बोलना बुलाबा, हेलो बात कर उससे बोलना, हेलो 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 गुलाब भाई, हेलो 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 गुलाब भाई, हेलो हेलो। हाँ भाई कौन बात कर रहे? हाँ जो मेरा भाई है गुलाब यादव दगली चाल, दोना दोना फोन दोना और कुछ स्पीकर में। हेलो हेलो गुलाब भाई दो मिनट रुको। हेलो कौन गुलाब भाई है भाई, बात करो इससे, इसको समझाओ क्या नहीं क्या भाई, क्या बोल रहा? वो लड़की आई थी नहीं क्या, 10,000 चाहिए, 6,000 चाहिए। हेलो हाँ हेलो, मैं क्या बोल रहा भाई, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं तेरे को, नहीं थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस में, क्या बोल रहा? हेलो पहले दत्तू मामा का नंबर ले, कॉल कर ले। किसका? उसके पास है, अस्मिता के पास, कॉल कर ले। किसका? ये दत्तू मामा का। दत्तू मामा ठीक है, तुमने बात किया ना अभी दत्तू मामा से, बोलते दत्तू भाई से बात कर रहे हैं ना। मैं नंबर पे लिया था आपको लिया, और मेरा नाम बीच में मत ला, समझे? जिसको ना बता दे, मैंने नागपुर मेरे को आना, डरते तो पता चलेगा सामने सामने मिल रहा भाई। आ रुक ठीक है, रख देखते टाइम पे, तेरे को पता है, पता चल जाएगा तेरे को, क्या पता। गोल्डी मेरा भाई है बड़ा। क्या बोले? मैं क्या बोला? गोल्डी मेरा बड़ा भाई है। गोल्डी? हाँ कौन गोल्डी? हेलो हेलो, मैं क्या बोला, मोहिमपुरा में रहता। मोहिमपुरा? हाँ अभी तो बोले भीमनगर में रहता, घर मैं रहता भीमनगर में, पांडे नाम है मेरा, बुलेट से घूमता हूँ, 8463 गाड़ी नंबर। तो मेरे को क्यों बता रहे भाऊ? बता नहीं रहा तेरा, तू तेरे को खबर दूंगा, तू अपने भाव को देंगे ना, तू मेरे को दल्ला समझ ले के, क्लियर क्लियर बोलो ना। हेलो अपने तो अपन ने किसी मदद की, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं क्या बोला इसको आज से कॉल नहीं करना ना। हाँ इससे कॉल नहीं करना, इसको अंदर से इसको बचाया, उसके लिए थैंक यू, मैं आके तुमको मिलता हूँ, तुमको उसके बाद में करता भाई, नहीं क्या? नहीं तुम्हारा भाई ना सही है, वो तुमने मेरे को दल्ला क्यों समझिए? तुमको नहीं समझा भाई, मैं क्या बोला, मैं तुमको वो नहीं बोल रहा, वो लड़की उसको शुक्रिया बोलता भाई, थैंक यू बोलता भाई, वो कैदी लोग थे, बोला क्या बोला भाई, बात सुन, ओए हम स्मगलर है बोला, नहीं क्या उड़ीसा में हूँ मैं, है ना, वो बड़े लेवल में काम करता, नहीं क्या बस आवाज सुधी, मेरा मालक है कौन सा, शेकू का बॉस, शेकू खान का, उसका बॉस शहबाज सिद्दीकी, पूछ लेना किसको भी, मानकापुर। अरे मानकापुर छोड़ो भाऊ, मैं क्या बोल रहा, पर मेरे तरफ उंगली मत करो, बोला नहीं गया समझ जाओ, वाशरा में क्या बोला, तुम कोई भी हो, मजाक नहीं कर रहा, मैंने अब से बचाया नहीं गया, मेरे पर उंगली नहीं बोलना, नहीं देखो थैंक यू बोल रहा भाई, मेरे थैंक यू बोल रहा, नहीं तुमने जो बात की ना, मैं उसको घर से नहीं क्या नंगा उठवाऊंगा, नहीं क्या राजमानी साहब से, नहीं क्या अभी फोन करता मैं साहब से, नहीं क्या जितने भी ये नंबर है ना तुमने जबरदस्ती किया ना लड़के से, जो भी जितने लोग सबके नाम डलाऊंगा, नहीं क्या बस वो बता देना, वो नहीं क्या तुम्हारे भाव को, नहीं क्या उसको लड़के को पूछो मैंने कितने भयानक से उसको बचाया, सुबह 4 बजे पहुंच जाता था, थैंक यू बोलते, नहीं क्या भाई मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूं, तुम ही सोचो सुबह 4 बजे पहुंच जाता। हाँ भाई थैंक यू भाई, मैं तेरे को बहुत देखो इज्जत दूंगा, नहीं क्या, और तू देखेगा भाई, नहीं क्या जो तू जिसको जो लोग वहाँ के एरिया के भाव मानते, जब उसको उसको गाने में जब उसके सामान के घाव गिरेंगे ना उसको समझ में आएंगे, अच्छे अच्छे भाव को देखा हो भाई। क्या नाम बोले तुम्हारा? पांडे नाम है बोला भाई, पूरा नाम बता ना यार। पूरा नाम कोई मेरा नहीं जानता, पांडे ही जानता, भीमनगर। हाँ भीमनगर, हाँ कमाल चौक, कमाल चौक। गोल्डी जो गोल्डी था जिसकी डेट हुई, हाँ अपना भाई था छोटा, ऐसा है ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करना भाई, नहीं पहले भाई ब्लेम नहीं, नहीं हो भाई, मेरे को उसने बताया, इनने मेरी हेल्प किया इसलिए मैंने तुमको फोन किया, वो तुमको भाव है ना, सुबह 4 बजे मैं क्या बोला भाई, मैं क्या बोला, बात तो सुनो भाई मेरा, मैं उसको नंबर देता नहीं क्या, वो भाव से आके मैं सबसे पहले मिलने वाला हूँ, नहीं भाव आप मिल लेना ना, और वो लॉज वाला कौन है जिनने नाक, नहीं क्या अच्छे से रिमक कौन से बात थोड़ा चौक में उसका ना भाई, क्या बोल रहा? हाँ भाई बोलो ना,
इतनी बातें तो कर रहे हो पर मैं सच में मजाक नहीं कर रहा वो मेरे को गलत लगा आपने मेरे को गलत समझा भाई वीडियो कॉल करो तुमको समझ जाऊंगी हम लोग क्या है नहीं नहीं बहू मैं क्या बोल रहा मेरे को किसी की गलती नहीं है बहू की मेरे को इसको पूछो क्या बोला मेरे को किसी आवा की गलती नहीं देख भाई बात तो सुन फोन में मैं कुछ नहीं बोलता बाहर मजा आएगा नहीं ना आमने सामने भी मजा आएगा बोला आमने सामने भी मजा आएगा भाई तुम्हारा नाम क्या मेरा नाम निखिल वांगड़े बोलना सूरज बिहारी का नंबर करी हूँ मैं सूरज बिहारी का नंबर है ना हाँ मेरे ये सब नहीं क्या सूरज चौधरी इधरी सब मेरे भाई लोग है नहीं भाई जो अमित यादव जो सभी अपने पहचानते नहीं क्या नहीं भाऊ तुम्हारा सही है तुम अपने हिसाब से सही हो पर कैसा है मैं आमने सामने बात करूंगा क्योंकि आपने गलत किया जो मेरे को दल्ला बोले ना बोला नहीं किया समझ जाओ नहीं नहीं भाऊ वो लड़की को मैंने आज तक परेशान नहीं किया उसको पूछ लो मुँह पे तुम्हें तेरे को दल्ला इल्ला नहीं बोल रहा जिसने किया उसको समझ गया तुम्हारा जो है आओ भाऊ को मैं दल्ला हूँ क्या नहीं तो भाई यार मेरे को लगा तू पहचानेगा तो तू बताएंगे ना अरे वो मैं क्या बोला वो लड़की को पूछो मैं उसको मेरे भाव लोग होंगे वो कोई मैं क्या बोला भाव मैं क्या बोला अभी तुमको भरोसा होगा जब तक ये काम नहीं होगा जब तक उसको देंगे नहीं हम तब तक काम होगा जब होगा काम तब तुम आओगे तुम समझोगे हमको तब तुम भी ढूंढने का कोशिश करोगे नहीं क्या बराबर है भाव कैसे भाई किसी को नहीं क्या गलत नहीं बोलना राजा भाई के अंडी में था बोला मैं राजा भाई के अंडी में थे हां राजा घोष जो अभी पप्पू भाई पप्पू घोष हां हो गया उनके छोटे भाई हां हो गया हाँ भाई सभी अपने को जानते नहीं क्या भाई अपन इसलिए ठंडे वो ऐसे इंसान का नाक फोड़ा जो लड़की को मैं प्यार करता नहीं क्या चीनी हाँ मेरी गर्लफ्रेंड उसका उसने नाक फोड़ा जो लॉज वाला है उसको तो बंदूक मारेंगे नहीं क्या बात अपना अपना है नहीं क्या बोला बात तो सुनो इतने पुराने रहने के बाद हमको आज बताएंगे ये क्या बोलते विजय मोड़ वीड़ सभी अपने को नहीं क्या सब जानते नहीं क्या भाई जो उनके छात्र जो अभी मर्डर में छूट रहे सब अपने अपने साथ हंडी में थे नहीं क्या अपने ऐसे इतने नहीं पर मैं गुस्से में बोलाऊंगा तेरे को पर मैंने ऐसा बोला भाव को बताना तभी वो भाव के मिर्ची लगेंगे वो भाव मेरे को ढूंढेगा देखो वो तुम्हारा क्या लोच है उनके साथ बात सही बोला ना मैंने मेरा सक्षम काम किया मैंने उसको बचाया और बराबर से भाई शुक्रिया भाई मैं तेरे को आके मिलता अपन बढ़िया पार्टी की दोस्ती करेंगे अपन पूछो मैं बोला मेरे को किसी गरज नहीं सच में बता रहा मेरे पास इतना पैसा उसको पूछ कौन भाव तू चाह तो फोन करना भाई आओ पर ऐसा नहीं ब्लेम नहीं करना भाई नहीं 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 तू टेंशन मत ले देखो ब्लेम नहीं करता पर बाकी ठीक है भाई बाकी तुम समझ लो ना किसको समझना है तो तुम समझ लूंगा ठीक है भाई हाँ ठीक है इस कॉल के दरमियान पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से लेकर अपराध जगत के कई नामी गिरामी हस्तियों को भी खींचा गया। इस घटना से पुलिस विभाग ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने वीकेवी न्यूज को जानकारी दी। एक काल का ऑडियो वायरल झाला होता परंतु तत्पूर्वीच आमच्याकडे ती माहिती आली होती आणि त्या माहिती अनुषंगाने क्राइम ब्रांच कडून चौकशी सुरू होती। यामध्ये दोन वेगवेगळे गोष्ट निष्पन्न झालेली आहे। एका आरोपी काही त्यांचे साथीदार सोबत संबलपूर ओडिसा या इथून गांजा चे तस्करी करण्यामध्ये सामील होता अशा एक NDPS चे गुन्हा आज सकाळी दाखल करण्यात आलेली आहे आणि दोन आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे। त्यामध्ये काही महिलांना त्यांना केटरिंगचे व्यवसायाचे नावाखाली त्या भागात घेऊन जायचे आणि तिथून त्यांचे त्यांना माहिती नसताना त्यांचे लगेजमध्ये गांजा टाकून अशा प्रकारचे कॅरियर सारखे वापर करायचे अशा तपासात निष्पन्न झालेली आहे। पुढील तपास यामध्ये सुरू आहे। दुसरी गोष्ट पुढे तपासामध्ये अशा निष्पन्न झाला की काही आरोपी आहे जे मुलींचे ट्रॅफिकिंग करत होते आणि अवैध कृत्य करत होते त्या अनुषंगाने 4 आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्या अटक करण्याची कारवाई सुरू आहे। एका गुन्हा पीटा ॲक्ट मॉलेस्टेशन पॉक्सो ॲक्ट आणि ट्रॅफिकिंग ऑफ विमेन अँड चिल्ड्रेन या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। यामध्ये 4 आरोपी अटक आहे अटकची कारवाई सुरू आहे आणि 1-2 आणखी आरोपी त्यामध्ये पुढच्या काळात निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। सर त्यात एका मुलीला त्या जे मारण्यात आलं ते लॉजमध्ये जबरदस्ती घेऊन जाण्यात आलं आहे म्हणून लॉज नव्हता त्यामध्ये एका हॉटेल लक्ष्मी हॉटेल म्हणून होता त्याचे मालिक कम मॅनेजर म्हणून एका आरोपी आहे त्यांना पण या गुन्ह्यामध्ये ते आरोपी निष्पन्न झालेली आणि त्यांना पण अटक करण्यात येत आहे।
मुलीसोबत त्यांचा कसा काय संबंध आला सर? त्यात एका दत्ता नावाचा आरोपीचाही उल्लेख हे दत्ता खाटिक म्हणून एका आरोपी जे मुलींचे ट्रॅफिकिंग करत असल्याचे निर्देश निष्पन्न झालेली आहे आणि त्यांनी काही इतर आरोपी सोबत या इमॉरल ट्रॅफिकिंग ऑफ विमेन यामध्ये सामील होता आणि या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे आणि पुढील तपासाचे नंतर ते पुढील गोष्टी समोर येईल. पांडे नावाचा आणि गुलाबबाई म्हणून करण्याचा तरी नावाचा उल्लेख झाला. पांडे ते आहे ज्यांच्या विरुद्ध हे NDPS चे गुन्हा आज सकाळी दाखल करण्यात आलेले आहे. जे संबलपूरचे तस्करी विषयी मी सांगितले होते ते त्यामध्ये पांडे हे मुख्य आरोपी आहे. हे इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम करतात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि केटरिंगचे व्यवसायाकरिता मुलींना संबलपूरला घेऊन जायचे आणि तिथून त्यांचे वापर करून हे तस्करी गांजाचे करायचे अशा बाबी समोर आलेली आहे. आणखी ऑडिओमध्ये की पुरा नागपूर ते ओडिसापर्यंत माझा भाऊ एक काम करतो गांजाचा, नेमका तो कोण आहे असं काही माहिती मिळाली आता? ही दोन्ही प्रकरणांमध्ये सध्या आमच्याकडे 6 आरोपी ताब्यात आहे. काही आणखी लोकांना अटक करायची आहे. याच प्रकरणमध्ये आत्ता याचे व्यतिरिक्त सध्या स्थितीत काही सांगता येणार नाही. आणखी आरोपी नक्कीच यामध्ये आहे जे तपासात निष्पन्न होईल आणि त्यांना अटक करण्यात येईल. कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ निलेश फरकाडे, VKB न्यूज नागपूर. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.